हेलो फ्रेंड्स, मैं आप सभी के आप दृष्टिक चैनल में स्वागत करता हूं। और आज हम समास के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। क्या होता है समास? हिंदी व्याकरण में समास का क्या महत्व है? क्यों हम समास पढ़ते हैं? और ये कितने प्रकार से होते हैं? ये सारी जानकारी आज हम इस ट्यूटोरियल में पढ़ेंगे। ठीक, तो यदि आपने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, और बगल में बेल आइकन है उसे भी जरूर दबाएं, ताकि आपको हमारे इस वीडियोज के जो नोटिफिकेशंस हैं वो मिलते रहें सबसे पहले। ठीक, और आज हम समास पे चर्चा करेंगे। और इससे पहले भी मैं बहुत सारे ट्यूटोरियल्स बना चुका हूँ, जिसमें आप हिंदी व्याकरण से रिलेटेड, टेक्निकल प्रोग्रामिंग से रिलेटेड आप देख सकते हैं वीडियो। तो चलिए शुरू करते हैं, समास क्या होता है। ठीक, तो समास शब्द का शाब्दिक अर्थ है संक्षिप्त करना। ये दो शब्दों से मिलकर बना है, सम और आस। सम का अर्थ है अच्छी तरह, पास, एवं आस का अर्थ है बैठना या मिलना, अर्थात दो शब्दों को पास पास मिलाना। समास का अर्थ होता है दो शब्दों को पास पास मिलाना। ठीक, जब परस्पर संबंध रखने वाले दो या दो से अधिक शब्दों के बीच की विभक्ति हटाकर उन्हें मिलाकर जब एक नया स्वतंत्र शब्द बनाया जाता है, तब इस मेल को समास कहते हैं। परस्पर मिले हुए शब्दों को समस्त पद अर्थात समास किया हुआ या सामासिक शब्द कहते हैं, जैसे यथाशक्ति, त्रिभुवन, रामराज आदि। इस तरह से जो ये वर्ण मैंने बताया, इस तरह से यदि आते हैं तो समास है। ठीक, तो समस्त पद के शब्दों, मिले हुए शब्दों को अलग अलग करने की प्रक्रिया को समास विग्रह कहते हैं। जैसे जब दो शब्द एक शब्द को अलग अलग करेंगे तो ठीक, तो समास विग्रह होता है। विग्रह का मतलब अलग करना। जैसे उदाहरण के लिए हम कह सकते हैं यथाशक्ति, शक्ति के अनुसार। यथाशक्ति क्या, अगर हम समास विग्रह करते हैं तो क्या आता है? शक्ति के अनुसार। हिंदी में समास प्रायः नए शब्द निर्माण हेतु प्रयोग में लिए जाते हैं। भाषा में संक्षिप्तता, उत्कृष्टता, तीव्रता व गंभीरता लाने के लिए भी समास उपयोगी है। समास प्रकरण संस्कृत साहित्य में अति प्राचीन प्रतीत होता है। श्रीमद् भगवद गीता में भगवान श्री कृष्ण ने भी कहा है, मैं समासों में द्वंद्व समास में हूँ, मैं समासों में द्वंद्व समास में हूँ। ये श्रीमद् भगवद गीता में भगवान श्री कृष्ण ने कहा है। ठीक, जिन दो मुख्य शब्दों के मेल से समास बनता है उन शब्दों को खंड या अवयव या पद कहते हैं। जिन दो शब्दों को मुख्य शब्दों के मेल से समास बनता है उन शब्दों को खंड या अवयव या पद कहते हैं। पद, समस्त पद या सामासिक पद का विग्रह करने पर समस्त पद के दो पद बन जाते हैं, पूर्व पद और उत्तर पद। ठीक, पहला कौन है? पूर्व पद, और दूसरा उत्तर पद। जैसे घन श्याम में, जैसे उदाहरण के लिए घन श्याम में घन पूर्व पद है और श्याम उत्तर पद है। जो पहले बोला जाता है वो पूर्व पद और जो बाद में बोला जाता है वो उत्तर पद। जिस खंड या पद पर अर्थ का मुख्य बल पड़ता है उसे प्रधान पद कहते हैं। जिस पद पर अर्थ का बल नहीं पड़ता उसे गौण पद कहते हैं। क्या मतलब हुआ? प्रधान पद और गौण पद। तो जिस खंड या पद पर अर्थ का मुख्य बल पड़ता है, जिस शब्द पर या खंड पर मुख्य बल पड़ता है उसे प्रधान पद कहते हैं, और जिस पद पर अर्थ का बल नहीं पड़ता उसे गौण पद कहते हैं। ठीक, तो ये बात ध्यान रखने योग्य है। ठीक, कौन गौण पद है और कौन प्रधान पद। ठीक, तो इन दोनों को याद रखना है। इस आधार पर संस्कृत की दृष्टि से समास के चार भेद माने गए हैं। देखना, ये संस्कृत की दृष्टि से मैं पहले बता रहा हूं, फिर हिंदी व्याकरण की दृष्टि से क्या होते हैं। ठीक, तो सबसे पहले हम समझते हैं संस्कृत की दृष्टि से समास के चार भेद कौन कौन से हैं। तो सबसे पहला कौन सा है? जिस समास में पूर्व पद प्रधान होता है। हमने अभी बताया पूर्व पद और प्रधान पद। तो जिस समास में पूर्व पद प्रधान होता है उसे क्या कहते हैं? अव्ययी भाव समास। ठीक, और जिस समास में उत्तर पद प्रधान होता है वह कौन सा समास कहलाता है? तत्पुरुष समास।
जिस समास में उत्तर पद प्रधान होता है वह तत्पुरुष समास, और जिस समास में दोनों पद प्रधान हो मतलब पूर्व पद और उत्तर पद दोनों, तो वह द्वंद समास कहलाता है। ठीक, और जिस समास में दोनों पदों में कोई प्रधान ना हो, ना पूर्व पद ना उत्तर पद, तो क्या कहलाता है? सिर्फ और सिर्फ बहुव्रीहि समास। ठीक, तो हमने ये क्या जाना, ये संस्कृत की दृष्टि से समास के चार भेद। ठीक, अब हम जानेंगे क्या कि हिंदी में समास कितने प्रकार के होते हैं। तो हिंदी में समास छह प्रकार के होते हैं या छह भेद प्रचलित हैं जो निम्न प्रकार के हैं, मैं बताता हूं कौन कौन से हैं। सबसे पहला है अव्ययी भाव समास, ठीक, फिर है तत्पुरुष समास, फिर है द्वंद समास, फिर है बहुव्रीहि समास, फिर कर्मधारय समास, फिर द्विगु समास। छवों हैं, पहला दूसरा तीसरा चौथा पांचवा छठवा। ठीक, तो छह प्रकार के होते हैं हिंदी में, हिंदी समास में। ठीक, अब देखेंगे हम कि पहला अव्ययी भाव समास क्या होता है। ठीक, हमने छह जाने कि कौन कौन से होते हैं, ये छह प्रकार के होते हैं। ठीक, तो उसमें पहला कौन सा है? अव्ययी भाव समास। तो हम इसको जानेंगे कि अव्ययी भाव समास होता क्या है। जिस समस्त पद में पहला पद अव्यय होता है, अर्थात अव्यय पद के साथ दूसरे पद जो संज्ञा या कुछ भी हो सकता है का समास किया जाता है, उसे अव्ययी भाव समास कहते हैं। प्रथम पद के साथ मिल जाने पर समस्त पद ही अव्यय बन जाता है, प्रथम पद के साथ मिल जाने पर समस्त पद ही अव्यय बन जाता है। इन समस्त पदों का प्रयोग क्रिया विशेषण के समान होता है। इन समस्त पदों का प्रयोग कहाँ होता है? क्रिया विशेषण के समान होता है। तो अव्यय शब्द वे हैं, तो अभी हमने अव्ययी भाव समास में सबसे पहला वर्ड क्या है? अव्यय। तो हम सबसे पहले जानेंगे कि अव्यय क्या होता है। तो अव्यय शब्द वे हैं जिन पर काल वचन पुरुष लिंग, काल वचन पुरुष लिंग आदि का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। ठीक, तो क्या होता है? ठीक, अव्यय, काल वचन पुरुष लिंग आदि का कोई प्रभाव नहीं पड़ता, अर्थात रूप परिवर्तन नहीं होता। क्या नहीं होता? रूप परिवर्तन नहीं होता। ये शब्द जहां भी प्रयुक्त किए जाते हैं वहां उसी रूप में ही रहेंगे, जैसे यथा, प्रति, आ, हर, बी, ने आदि। मतलब यथाशक्ति हमने बताया अभी यथा से। ठीक, तो इसी तरह से मैं आगे बताऊंगा कि इन सबका क्या मीन्स होता है। ठीक, अव्यय में, अव्ययी भाव समास में अव्यय क्या होता है? तो अव्यय वो होता है जिसमें काल वचन पुरुष लिंग आदि का कोई प्रभाव नहीं पड़ता, अर्थात रूप परिवर्तन नहीं होता। ठीक, पद के क्रिया विशेषण अव्यय की भांति प्रयोग होने पर अव्ययी भाव समास की निम्नांकित स्थितियां बन सकती हैं। तो क्रिया विशेषण अव्यय की भांति जब प्रयोग होता है तो इस तरह की स्थितियां बन जाती हैं। तो हम देखते हैं कौन कौन सी स्थितियां होती हैं। अव्यय प्लस अव्यय, अव्यय और अव्यय, ऊपर नीचे, दाएं बाएं, इधर उधर, आसपास, जैसे तैसे, यथाशक्ति, यत्र तत्र। ठीक, तो इस तरह की स्थितियां बन सकती हैं। अव्ययों की पुनरुक्ति, धीरे धीरे, पास पास, जैसे जैसे। ठीक, संज्ञा प्लस संज्ञा, ये तो अव्यय अव्यय हुए। अब संज्ञा संज्ञा, नगर डगर, गांव शहर, घर द्वार। संज्ञाओं की पुनरुक्ति भी हो सकती है, दिन दिन, रात रात, घर घर, गांव गांव, वन वन। संज्ञा प्लस अव्यय भी हो सकता है, दिवसोपरांत, क्रोधवश। ठीक, विशेषण संज्ञा हो सकता है, प्रतिदिवस, यथा अवसर। कृदंत कृदंत भी हो सकते हैं, जाते जाते, सोते जागते। अव्यय और विशेषण भी हो सकते हैं, भरसक, यथासंभव। अव्ययी भाव समास के उदाहरण क्या होते हैं? समस्त पद विग्रह यथा रूप, रूप के अनुसार। यहाँ पे जो इस साइड लिखे होंगे यानी इधर, तो समस्त पद होंगे और उनका विग्रह इस साइड लिखा जाएगा, जैसे यथा रूप का, रूप के अनुसार। ठीक, यथा योग्य, जितना योग्य, यथा शक्ति, शक्ति के अनुसार, प्रतिक्षण, प्रत्येक क्षण, भरपूर, पूरा भरा हुआ, अत्यंत, अंत से अधिक, रातों रात, रात ही रात में, अनुदिन, दिन पर ही दिन, रातों रात, रात ही रात में, निरंध्र, रंध से रहित, आमरण, मरने तक, आजन्म, जन्म से लेकर, आजीवन, जीवन पर्यंत, भरपेट, पेट भरकर, प्रत्युत्तर, उत्तर के बदले उत्तर, यथार्थ, अर्थ के अनुसार, आकंठ, कंठ तक। ठीक, हाथों हाथ, हाथ ही हाथ में, बेधड़क, बिना धड़के, बिना धड़क के, निरोग, रोग रहित, जिसके रोग ना हो, यथेक्ष, इच्छा के अनुसार, प्रतिवर्ष, प्रत्येक वर्ष। ठीक, दानार्थ, दान के लिए, यथासंभव, जहाँ तक संभव हो, यथावत, जैसा था वैसा ही,
ठीक, मंद मंद, मंद के बाद मंद, बहुत ही मंद। अब हम पढ़ेंगे सेकंड वाला, तत्पुरुष समास। क्या होता है तत्पुरुष समास, आज हम ये जानने वाले हैं। अब अव्ययीभाव समास हो गया, तो तत्पुरुष समास, तो जिस समास में दूसरा पद अर्थ की दृष्टि से प्रधान हो, उसमें अव्ययीभाव में प्रथम पद होता था, अब तत्पुरुष समास में दूसरा पद अर्थ की दृष्टि से प्रधान हो, उसे तत्पुरुष समास कहते हैं। जिस समास में दूसरा पद अर्थ की दृष्टि से प्रधान हो, अर्थ की दृष्टि से, उसे तत्पुरुष समास कहते हैं। इस समास में पहला पद संज्ञा अथवा विशेषण होता है। इसमें पहला पद क्या होता है, संज्ञा होता है या विशेषण हो सकता है, इसलिए वह दूसरे पद विशेष पर निर्भर करता है, अर्थात दूसरा पद प्रधान होता है। तत्पुरुष समास का लिंग वचन अंतिम पद के अनुसार ही होता है। जैसे जल धारा का विग्रह है, जल की धारा बह रही है, इस वाक्य में बह रही है का संबंध धारा से है, जल से नहीं। धारा के कारण बह रही क्रिया स्त्रीलिंग में है, यहां बाद वाले शब्द धारा की प्रधानता है, अतः यह तत्पुरुष समास है। तत्पुरुष समास में प्रथम पद के साथ कर्ता और संबोधन कारकों को अन्य छोड़कर अन्य कारक चिन्हों विभक्तियां का प्राय लोप हो जाता है, अतः पहले पद में जिस कारक या विभक्ति का लोप होता है उसी कारक या विभक्ति के नाम से इस समास का नामकरण होता है। क्या होता है, तत्पुरुष समास में प्रथम पद के साथ कर्ता और संबोधन कारकों को छोड़कर अन्य चिन्हों या विभक्तियों का प्राय लोप हो जाता है। तो हम देखते हैं कैसे होता है, जैसे द्वितीया या कर्म कारक तत्पुरुष, स्वर्ग प्राप्त, स्वर्ग को प्राप्त, कारक चिन्ह इस प्रकार है, ठीक क्रम से दिया गया है, कर्ता ने कर्म को करण से के द्वारा संप्रदान के लिए अपादान से पृथक भाव में संबंध का की के रारी रे अधिकरण में पर ऊपर संबोधन हे अरे ओ। ये क्या होते हैं, कारक का नाम और चिन्ह, ठीक, कर्ता का ने राम ने, कर्ता कर्म को, ये सारी चीजें आएंगी। चूंकि तत्पुरुष समास में कर्ता और संबोधन कारक चिन्हों का लोप नहीं होता है, अतः इसमें इन दोनों के उदाहरण नहीं है। अन्य कारक चिन्हों के आधार पर तत्पुरुष समास के भेद इस प्रकार है। तब इसके हम भेद पढ़ेंगे, कर्म तत्पुरुष, समस्त पद विग्रह, हस्तगत, हाथकोगत, जातिगत, जाति को गया हुआ, मुंह तोड़, मुंह को तोड़ने वाला, यश प्राप्त, यश को प्राप्त, देशगत, देश को प्राप्त, ठीक, आशातीत, आशा को अतीत से परे, जी तोड़, जी को तोड़ने वाला, जी भर, जी को भरकर, ठीक, गगनचुंबी, गगन को चुमने वाला, चित्त चोर, चित्त को चोरने वाला, हलधर, हल को धारण करने वाला, कालातीत, काल को अतीत परे करके, वय प्राप्त, वय उम्र को प्राप्त, खा करण तत्पुरुष, दूसरा हम करण तत्पुरुष देखेंगे, तुलसी कृत, तुलसी द्वारा कृत, श्रम साध्य, श्रम से साध्य, कष्ट साध्य, कष्ट से साध्य, ईश्वर दत्त, ईश्वर द्वारा दिया गया, गुरु दत्त, गुरु द्वारा दत्त, सूर द्वारा कृत, सूर कृत, ठीक, मुंह मांगा, मुंह से मांगा, ठीक, वचनबद्ध, वचन से बद्ध, आंखों देखा, आंखों से देखा, गार नंबर देखते हैं, संप्रदान तत्पुरुष, देशभक्ति, देश के लिए भक्ति, गुरु दक्षिणा, गुरु के लिए दक्षिणा, हथकड़ी, हाथ के लिए कड़ी, विद्यालय, विद्या के लिए आलय, आवेदन पत्र, आवेदन के लिए पत्र, ठीक, बंदी ग्रह, बंदी के लिए ग्रह। अब घ नंबर अपादान तत्पुरुष हम पढ़ने वाले हैं, रोग मुक्त, रोग से मुक्त, लोक भय, लोक से भय, राजद्रोह, राज से द्रोह, नरक भय, नरक से भय, ठीक, जाति भ्रष्ट, जाति से भ्रष्ट, कर्म व्यच्युत, कर्तव्य से। अब हम पढ़ने वाले हैं तीसरा समास, पहला अव्ययीभाव समास, दूसरा तत्पुरुष समास, अब तीसरा द्वंद्व समास पढ़ने वाले हैं। जिस समस्त पद में दोनों अथवा सभी पद प्रधान हो तथा उनके बीच में समुच्चय बोधक और या अथवा आदि का लोप हो गया हो, तो वहां द्वंद्व समास होता है। जैसे हमने द्वंद्व समास की परिभाषा देखी, क्या, जिन समस्त पदों में दोनों अथवा सभी पद प्रधान हो, यानी दोनों पद अव्ययी में प्रथम पद होता था, ठीक, तत्पुरुष में दूसरा पद होता था, अब द्वंद्व समास में दोनों पद होते हैं, ठीक, अन्न जल, अन्न और जल, अन्न भी है प्रधान और जल भी है प्रधान, देश विदेश, देश और विदेश, राम लक्ष्मण, राम और लक्ष्मण, रात दिन, रात और दिन, जला भुना, जला और भुना, माता पिता, माता और पिता, दूध रोटी, दूध और रोटी, हरिहर, हरिहर और हर, राधे श्याम, राधे और श्याम, कंद मूल फल
तो कंद और मूल और फल यानी दो से भी ज्यादा हो सकते हैं, ये देखिए यहाँ पे दो से भी ज्यादा हैं, एक दो, एक या दो, एक दो लाख, लाख या दो लाख, लाख दो लाख यानी लाख या दो लाख, पल दो पल, पल या दो पल, पाप पुण्य, पाप या पुण्य, धर्माधर्म, धर्म अथवा अधर्म, आहार निद्रा, आहार निद्रा आदि, ठीक, ऊंच नीच, ऊंच नीच आदि, फल फूल आदि, खरी खोटी आदि। अब चौथा पढ़ने वाले हैं बहुव्रीहि समास। तीन समास पढ़ चुके हैं, चौथा है बहुव्रीहि समास। जिस समस्त पद में कोई भी पद प्रधान नहीं हो, जिस समस्त पद में कोई भी पद प्रधान नहीं हो, अर्थात समास किए गए दोनों पदों का शाब्दिक अर्थ छोड़कर तीसरा अर्थ या अन्य अर्थ लिया जावे, उसे बहुव्रीहि समास कहते हैं। मतलब जिस समस्त पद में कोई भी पद प्रधान ना हो, पहले में मतलब अव्ययीभाव भाव समास में प्रथम पद प्रधान होता था, तत्पुरुष समास में दूसरा पद प्रधान होता था, फिर द्वंद्व समास में सभी पद प्रधान होते थे, बहुव्रीहि समास में कोई भी पद प्रधान नहीं होता है, और इसमें दोनों पदों का शाब्दिक अर्थ छोड़कर तीसरा अर्थ या अन्य अर्थ लिया जावे, तो उसे बहुव्रीहि समास कहते हैं। जैसे लंबोदर का सामान्य अर्थ है लंबे उदर यानी पेट वाला, परंतु लंबोदर समास में अन्य अर्थ होगा, लंबा है उदर जिसका वह गणेश। जानुओं घुटनों तथा बहुएं जिनकी वह विष्णु। अजानुबाहु यानी जानुओं घुटनों, जानुओं यानी घुटनों तथा बाहुएं हैं जिनकी वह विष्णु। अजात शत्रु नहीं पैदा हुआ शत्रु जिसका कोई व्यक्ति विशेष, ठीक। रीतिकांत वह जो रति का कांत पति है कामदेव, ठीक। मकर ध्वज जिसके मकर का ध्वज है वह है कामदेव। आशुतोष वह जो आशु की शीघ्र तुष्ट हो जाते हैं शिव। कड़ानन वह जिसके 6 आनन है कार्तिकेय। सप्तऋषि जो वे जो 7 ऋषि हैं, 7 ऋषि विशेष जिनके नाम निश्चित हैं। त्रिवेणी तीन वेणियों नदी का संगम स्थल प्रयाग। चार पाए हैं जिसके खाट। विषधर विष को धारण करने वाला सांप। तिरंगा तीन रंगों वाला राष्ट्रध्वज। नीलकंठ नीला है कंठ जिनका शिव। पीतांबर पीले पीत बीले हैं वस्त्र जिनके विष्णु। देवराज देवों का राजा है इंद्र। हलधर हल को धारण करने वाला। त्रिलोचन तीन है लोचन आंख जिनके शिव। चंद्रचूड़ा चंद्रचूड़ चंद्रमा है चूड़ ललाट पर है जिसके शिव। पुंडरीकाक्ष पुंडरीक कमल के समान अक्ष आंखें हैं जिनकी जिसकी विष्णु। गजानन गज हाथी जैसा मुख है जिसका गणेश। खड़वत 6 पैर हैं जिसके भौरा। अब पचवा पढ़ने वाले हैं हम कर्मधारय समास। तो हमने 4 समास पढ़ चुके हैं, पचवा पढ़ने वाले हैं जिस समास में उत्तर पद प्रधान हो तथा पहला पद विशेषण अथवा उपमान जिसके द्वारा उपमा दी जाए हो, ठीक, और वह दूसरा पद विशेष अथवा उपमेय जिसके द्वारा तुलना की जाए हो, उसे कर्मधारय समास कहते हैं। मतलब इसमें पहला पद विशेषण हो, उत्तर पद प्रधान हो, ठीक, और एक दूसरे पद से तुलना की जाए, वो होता कर्मधारय समास। इस समास के 2 रूप हैं, विशेषता वाचक कर्मधारय, इसमें प्रथम पद द्रुति पद की विशेषता बताता है, इसमें प्रथम पद द्रुति पद की विशेषता बताता है। जैसे महाराज महान है जो राजा, महापुरुष महान है जो पुरुष, नीलाकाश नीला है वो जो आकाश, महापुरुष महान है जो पुरुष, महर्षि महान है जो ऋषि, महात्मा महान है जो आत्मा, सद सद्बुद्धि सत है जो बुद्धि, मंद बुद्धि मंद है जिसकी बुद्धि, मंदाग्नि मंद है जो अग्नि, पूर्णांग पूर्ण है जो अंग, भ्रष्टाचार भ्रष्ट है जो आचार, शिष्टाचार शिष्ट है जो आचार, अरुणाचल अरुण है जो अचल, देवर्षि देव है जो ऋषि है, परमात्मा परम है जो आत्मा, अंधविश्वास अंधा है जो विश्वास, अंधकूप अंधा है जो कूप, नील गाय नीली है जो गाय, महादेव महान है जो देव, अधखिला आधा है जो खिला, लाल टोपी लाल है जो टोपी, ठीक, महासागर महान है जो सागर, महाकाल महान है जो काल, बड़भागी बड़ा है भाग्य जिसका, नकटा नाक कटा है जो, जवा मर्द जवान है जो मर्द, दीर्घायु दीर्घ है जिसकी आयु, अधमरा आधा मरा हुआ, निर्विवाद विवाद से निर्वित्र, ठीक। इसमें क्या है,
दूसरा उपमान वाचक कर्मधारय, इसमें एक पद उपमान तथा द्वितीय पद उपमेय होता है। जैसे बाहुदंड, बाहु है दंड समान, चंद्रवदन चंद्रमा के समान बदन मुख, चंद्रमुख चंद्र के समान मुख, क्रोधग्नि अग्नि के समान क्रोध, वज्र देह वज्र के समान देह यानी बजरंगवली, संसार सागर संसार रूपी सागर। ठीक है दोस्तों, तो आज हमने क्या पढ़ा, समास। तो समास क्या होता है ये हमने अच्छी तरह से आज जाना। ठीक, तो सबसे पहले हम जानने वाले थे समास। तो यदि आपको समास अच्छा लगा हो, समास समझ में आया हो, तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा दोस्तों और शेयर करिएगा, ताकि आपके साथ साथ आपके दोस्तों को भी पता चले कि समास क्या होता है, हिंदी व्याकरण से वो भी अवगत हो। अगर आप हिंदू हैं तो हिंदी तो आपको आनी ही चाहिए, अगर दूसरी लैंग्वेज नहीं आती तो भी चल जाएगा, लेकिन यदि हिंदी नहीं आती, हिंदी व्याकरण नहीं आता, तो बहुत ही गलत बात है। तो आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, इस तरह की बहुत सारी ट्यूटोरियल्स आती रहेंगी, तो और लाइक जरूर करिएगा। यदि आपको कोई भी समस्या है हिंदी व्याकरण से रिलेटेड, तो प्लीज हमें कमेंट करें, कमेंट में बताएं कि आपको क्या समस्या है, मैं उसका रिप्लाई दूंगा, या कि फिर मैं उस पर वीडियो बनाऊंगा जो आपके लिए लाभदायक होगा। तो थैंक यू दोस्तों, जय हिंद।